जब गर्मियां आती हैं तो शरबत की अहमियत दुगनी हो जाती है। ठंडा ठंडा शरबत जब अलग से उतरता है तो जिंदगी का मजा आ जाता है। लेकिन बेटा तुमने तकलीफ क्यों की? सिद्रा कहाँ है? अरे आंटी क्या फर्क पड़ता है, आज से एक नई रस्म शुरू करते हैं। अब रिश्ते के लिए लड़की नहीं लड़की का भाई ट्रे लेकर आएगा। क्यों सलमान, क्या कहते हो तुम? कायर भाई आप बहुत दिलचस्प बातें करते हैं। अरे छोड़ो यार बातें कौन सी, ये तो एक बहाना है ताल्लुक कायम रखने का। अरे वाह आप तो फलसफा भी बोलते हैं। बातें बनाना तो कोई ताहिर से सीखे, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। बहन मेरी और ताहिर की ख्वाहिश है कि सलमान और सिद्रा भी खुद इस बारे में एक दूसरे से बात कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है और सलमान भी यही चाह रहा था। सलमान बेटा सिद्रा का कमरा सामने है, आप जाकर वहां से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आपको इस रिश्ते से एतराज़ तो नहीं? आई मीन आप किसी और को पसंद करती हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अम्मी और भाई ने हमेशा से मेरी आज़ाद परवरिश की है, मैं हमेशा से अपने फैसलों में आज़ाद रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस मुझे आपसे इतना ही जानना था। मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। जी पूछें। अगर शादी के बाद मैं जॉब करूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो आपको लगता है कि मैं रिवायती मर्दों की तरह साबित होऊंगा जो बीवी पे अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर क्या कहा आपने? बेटा देखा कितने तमीज़ वाले लोग हैं कि उन्होंने ये शरई बात भी कितने सलीके से की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं तो खुद सोच रहा था कि हम लोग वो बात किस तरह करेंगे, लेकिन आंटी ने खुद ही सारी बात कह दी। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो आप इतना परेशान हो रही हैं? कुछ नहीं बोला, बस मैं ये सोच रही थी कि सिद्रा की जॉब के बारे में सुनकर सलमान की अम्मी कहीं नाराज़ ना हो जाए। अरे नहीं भाई, खुले जहन के लोग हैं, ऐसी पुरानी बातें नहीं सोचते हैं। तो सोच लो फिर मैं उन लोगों को हाँ बोल दूँ। अम्मी देख लें, जैसा आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? तो चलो फिर मैं मना ही कर देती हूँ। अम्मी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अब तुम ऐसी शर्माती रहोगी, कुछ बोलोगी भी? बोल तो दिया, क्यों तंग कर रहे हैं भाई? अच्छा क्या बोला है बताओ तुझे। अम्मी मना करे ना यार भाई को। बस बेटा तंग मत करो मेरी बेटी को, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है, बिला वजह की तारीफ है। तारीफ के काबिल है, जब भी तो तारीफ कर रही हूँ। यार मेरी अम्मी है उसकी। बेटा माँ माँ होती है। अब चलो जल्दी से तैयारियाँ शुरू कर दो ताकि इसी हफ्ते तुम्हारी बात पक्की कर दूँ। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं, सब हो जाएगा। और वैसे भी सिद्रा को अपनी शादी की इतनी खुशी है ना, सारे काम भाग भाग के करेगी। अम्मी मैं जा रही हूँ, आप करती रहें अपनी प्लानिंग्स। अरे बेटा भाग गई ना, काम छोड़ गई है।
साहब पानी पियेंगे आप? नहीं आप, थैंक यू। क्या बात है भाई साहब, लगता है मंगनी के साथ साथ मुस्कुराहट मुफ्त में मिल गई है। बिला वजह ही मुस्कुरा रहा है हमारा भाई। तो भैया आप भी इंगेजमेंट कर लें, ये मुफ्त की मुस्कुराहट आपको ही मिल जाएगी। ना भाई ना, मैं नहीं पड़ता मंगनी के चक्कर में, सीधा मस्जिद में निकाह और सादगी से शादी। यार इस सादा सादा में भी ना अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो अब ये समझ लो कि ये मुस्कुराहट तुम्हारे भाई को फ्री में नहीं मिली है। अरे यार तू मुझे डरा क्यों रहा है भाई? डरा नहीं रहा, हालत ज़ार बता रहा हूँ। अब बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? अच्छा यार वो एक बात बता, तूने अपनी मंगनी की पिक्चर अपलोड नहीं करी है FB पर? नहीं यार, ये FB पे नहीं। अरे यार FB को गोली मार, अपने भाई को तो दिखा दे। अरे क्यों नहीं यार, हाँ देख। तस्वीरें देखी हैं आपने? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। जी आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा लग रहा था मतलब अब नहीं लग रहा? वकील हैं जो अल्फाज पकड़ रहे हैं। गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा काम करता है। जी कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही कर जाता है। अच्छा यार एक बात सुनो, ये अब मुझसे और तकल्लुफ नहीं होगा प्लीज। अब ये आप मुझसे नहीं कहा जाएगा, मैं तो तुम्हें तुम कहूँगा। अब तुम भी अगर चाहो तो मुझे तुम कह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं आपकी मर्जी, आप जो कहें मैं आप ही कहूँगी। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत टिपिकल मशरकी लड़की हो। जी आपको क्या लगा मैं यूरोप से आई हूँ? वाकई भाई ह्यूमर काम करता है तुम्हारा। मेरे साथ रहेंगे ना तो आप भी सीख जाएंगे। बस यूं ही समझ लो कि उसी वक्त का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा चले मैं फोन रखती हूँ। हाँ कहाँ चलें? मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सुनो तो। क्या? वो ये के अच्छा छोड़ो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार सलमान वो मुझे तो उससे एक बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है यार? यार वो एक बहुत ज़रूरी बात है। बोलो रेहान, सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? यार तुम दो मिनट के लिए अपना काम बंद करो और मेरी बात सुनो। बोलो रेहान क्या बात, सब खैरियत तो है ना? देखो सलमान हम 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूंगा तो वो तुम्हारे भले के लिए होगा। आई नो यार, लेकिन बोलो तुम कहना क्या चाह रहे हो? यार वो कल जब तुम अपनी मंगनी की पिक्स मुझे दिखा रहे थे ना, तो तुम्हारी मंगेतर को देख के ऐसा लगा शायद मैंने इसको कहीं देखा है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है यार, वो इसी शहर में रहती है, मरीख से तो नहीं आई ना? यार तू समझ नहीं रहा है, मैं उसे जानता हूँ। कैसे जानते? यार वो 1 साल से मेरी FB फ्रेंड है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है रेहान? यार तू समझ नहीं रहा है, देख तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है। क्या मतलब है रेहान तुम्हारा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यार वो बहुत बोल्ड टाइप की लड़की है, मेरी उससे कई दफ़ा चैट हुई है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी चैट दिखा सकता हूँ। ना सिर्फ चैट बल्कि उसकी पिक्चर्स भी दिखा सकता हूँ जो प्रोफाइल पर है। ठीक है दिखाओ मुझे।
सलमान बेटा सब खैरियत तो है ना? जब से ऑफिस से आए हो चुप चुप से हो, क्या ऑफिस में कोई बात हुई है? बेटा कुछ बोलो तो सही, तुम्हारे इस तरह चुप रहने से तो मुझे घबराहट हो रही है। अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप ये मांगनी खत्म कर दीजिए। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो आपने सुना, प्लीज ये मांगनी खत्म कर दीजिए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? बेटा सुबह तक तो सब सही था और अब तुम मंगनी खत्म करने की बात कर रहे हो? सलमान मेरी बात सुनो बेटा, मैं ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकती हूँ? सलमान ये क्या हो गया अचानक इस लड़के को? फैसले ना इतनी जल्दबाजी में होते हैं और ना जज्बात में। वो भी किसी की लड़की है, अगर हम बगैर किसी वजह के इनकार कर देंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे ना। आपको गैर की लड़की का ख्याल है, अपने बेटे का ख्याल नहीं आपको? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा एहसास है, जब ही तो तुम्हें समझा रही हूँ। अगर आपको वाकई मेरा ख्याल है तो अपने मना कर दीजिए। लेकिन बेटा इनकार की कोई वजह भी तो हो। मुझे नहीं करनी है शादी, क्या ये वजह काफी नहीं है? तुम्हें अगर यहाँ शादी नहीं करनी थी तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, लेकिन मैं अपनी जिंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद होगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सही वक्त पर फैसला कर लिया, वरना ना जाने आगे क्या क्या होता। मुझे इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं करनी है, आप काइंडली उन्हें आज ही मना कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बस बहन आजकल की तो ये औलाद न जाने कहाँ कहाँ शर्मिंदा करवाएगी। आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? शर्मिंदगी तो अब हमें उठानी पड़ेगी। ना कुछ बताता है ना मेरी कोई बात सुनता है, बस एक ही बात बार बार कहता है कि जाके रिश्ता खत्म कर दे। कोई तो वजह होगी, कोई तो बात हुई होगी, इतना बड़ा फैसला। बहन मैं आपकी गुनाहगार हूँ, सारी गलती मेरी है। ना मैं इस अरेंज मैरिज का कहती और ना आज ये सब कुछ होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल की औलाद शायद हमें बेवकूफ़ समझती है। यकीनन उसके सर पे कोई लव मैरिज का भूत सवार होगा। आपसे सलमान ने इस बारे में कोई बात की? अगर कर लेता तो सुकून ना आ जाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस उम्र में मुझे जलील करवाएगा। आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? ये तो आपकी शराफत है क्या आप इतनी खामोशी से ये रिश्ता ख़त्म कर रही हैं, वरना तो लोग तोहमत लगाने में भी देर नहीं करते। बस बहन और शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे अंदर तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं सिद्रा का सामना कर सकूं। अच्छा अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
अच्छा खासा समझदार लड़का है सलमान, इस तरह का फैसला कैसे कर सकता है वो? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अरे वो तो खुद इस रिश्ते से बहुत खुश था, देखा नहीं था आपने मंगनी वाले दिन, बात बात पे मुस्कुरा रहा था वो। मुस्कुराते चेहरों से ही धोखा खाता है इंसान। बहरहाल मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है, सिद्रा कहाँ है उसे पता है? वो जब आई तो सिद्रा घर पर ही थी, सुनी उसने भी सारी बातें। कुछ कह रही थी वो? क्या कहेगी मेरी बच्ची, उसके बाद से चुप सी हो गई है। क्या सोच रहे हो बेटा? अम्मी मुझे लगता है कि मुझे सलमान से मिलना चाहिए। कोई फायदा नहीं बेटा, उसी ने इनकार किया है। अम्मी मुझे फायदे और नुकसान का तो नहीं पता है, लेकिन अगर कोई गलत फहमी हुई है तो वो सलमान से मिलके ही दूर हो सकती है। तुम क्या समझते हो, ये कोई गलत फहमी है? हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई बात तो ज़रूर हुई है ना, वरना सलमान एक समझदार लड़का है, अगर उसे मंगनी नहीं करनी होती तो वो पहले ही इनकार कर देता। सर कोई तैयार था आपसे मिलना है। अब क्या करना है वो यहाँ? चलो मुझे नहीं पता। ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। ये ताहिर साहब कौन है? देखें ताहिर भाई मुझे भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? ये तुम दोनों की जिंदगी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल से ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं है, हमें कहीं बाहर चल के बात करनी चाहिए। सलमान ज़्यादा सोचो मत, बात करने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है चलें। सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक इससे क्या बात हुई? किसी पर इल्ज़ाम लगाना या उसकी किरदार कुशी करना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। सलमान तुम जो भी बात करना चाहते हो खुल के करो, मुझ में तुम्हारी हर बात सुनने का हौसला है। देखें ताहिर भाई मैं आपकी इतना आज़ाद ख्याल हरगिज़ नहीं, लेकिन सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बावजूद ये रिश्ता कायम रखने की मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई। सलमान तुम अभी भी घुमा फिरा के बात कर रहे हो, सीधी बात करो। सीधी बात ये कि अगर इसके बाद मैं तुमसे कोई बात करूं तो यकीन करोगे तुम? अगर बात यकीन करने के लायक हुई तो ज़रूर यकीन करूंगा। आज से तकरीबन एक डेढ़ साल पहले मैं अम्मी और सिद्रा किसी काम से वापस आ रहे थे। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि छुट्टी वाले दिन घूमने फिरने के चक्कर मत रखा करें। बेटा एक दिन तो होता है तुम्हारी छुट्टी का, उस दिन मैं सबसे मिलने नहीं जाऊंगी तो फिर कब जाऊंगी? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक ही दिन मिलता है आराम करने को। मैं लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ भाई। भाई मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। बेटा तुझे दावत देनी पड़ेगी क्या? बोल लिया कुछ वे पढ़ दो, दे 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 रहा हूँ। दो 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 मोबाइल, ये लो ये लो, चल चल जल्दी कर, बोलिए दे दे। भाई मोबाइल में मेरी पिक्स थी। अरे यार अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बेटा, FIR कटवा दी? जी अम्मी मैंने एप्लीकेशन दे दी है, दो दिन बाद बुलाया मुझे, पक्की FIR भी हो जाएगी। भाई अब क्या होगा? होना क्या है, मूड ठीक करो मैं तुम्हें नया मोबाइल दिला दूंगा। भाई इसमें मेरी पिक्स थी और बहुत सारा डेटा भी था। पासवर्ड लगाया हुआ था ना तुमने?
हाँ पासवर्ड तो लगाया था लेकिन फिर भी। परेशान मत हो तुम, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उसी वारदात के बाद वो पिक्स किसी के हाथ लगे और उसी ने सिद्रा की फेक प्रोफाइल बनाई। हो सकता है जो कुछ आप कह रहे हो वो सब ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी और बेचैनी दोनों समझ सकता हूँ। तुम बेफिक्र हो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। पहले अपनी बहन की बेगुनाही साबित करूँगा। लेकिन आप बेगुनाही साबित करेंगे कैसे? मैं आज ही साइबर क्राइम सेल जाऊँगा और वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे तो खुद भी अफसोस है कि मैं आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। लेकिन सलमान, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जी बोले। मुझे वो फेक आईडी और ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। वो मैं आज ही आपको रेहान से लेकर सेंड कर दूँ। ठीक है फिर, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी और सारी गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। जी ताहिर साहब, कहिए कैसा आना हुआ आपका? सर, एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी लेकिन मसला थोड़ा पेचीदा है। अरे साहब, आप कहिए तो सही, हम यहाँ पेचीदा मसले ही हल करने के लिए बैठे हुए हैं। सर, को 1.5 साल पहले मेरा और मेरी सिस्टर का मोबाइल स्नैच हुआ था और मेरी सिस्टर के मोबाइल में जो पिक्चर थी उसका कोई मिसयूज़ कर रहा है इंटरनेट। ओह, आई सी। उस वारदात की FIR दर्ज कराई थी आपने? जी सर, ये रही FIR। यहाँ तक तो आप सही हैं। सर, उसने फेक नाम से एक फेक आईडी बनाई हुई है जिस पे मेरी सिस्टर की पिक्चर्स यूज कर रहे हो। अच्छा, उसकी आईडी और ईमेल एड्रेस चाहिए होगा मुझे। ये लें सर। ठीक है ज़ाहिर साहब, थोड़ा वक्त तो लग जाएगा लेकिन हम उस तक पहुंच जाएंगे। कितना वक्त सर? देखिए, आईडी की डिटेल मालूम करने के लिए हमें फेसबुक से ऑफिशियली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और उनके जवाब आने का प्रोसीजर कम से कम 15 दिन का है। और उसके बाद कितना टाइम लगेगा सर? ताहिर साहब, साइबर क्राइम का बड़ा नुकसान ये है कि क्रिमिनल जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से पकड़ा भी जाता है। आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? L112 आपका मकान नंबर है। जी, मकान नंबर तो यही है, मगर आप कौन है और किससे मिलना है? खुर्रम घर पर है क्या? खुर्रम? खुर्रम भाई, आपका चाचा गुड्डू के पास है। अच्छा, तो तुम ही हो खुर्रम? जी, लेकिन तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। लेकिन आप हैं कौन और मुझे क्यों चलना होगा आपके साथ? FIS साइबर क्राइम, चलना तो पड़ेगा तुम्हें हमारे साथ। अब आराम से चलोगे या मोहल्ले में तमाशा करके चलोगे? तमाशा मतलब? देख बेटा, जब ये दो आदमी तुझे मारते हुए लेके जाएंगे ना तो तमाशा तो होगा। जी, वो मैं जरा घर पे बता दूं। वो सब हम बता देंगे, आप चलने वाली करें, चले आ जाएं। तो भाई खुर्रम उर्फ रिदा एंजल उर्फ फला फला उर्फ फला फला, और कितने फेक अकाउंट चला रहा है तू? सर, कौन से फेक अकाउंट? आप लोग क्या बोल रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी तक तू खुद को होशियार और हमें बेवकूफ समझ रहा है? सर,
लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो छोटी सी मोबाइल शॉप चलाता हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो किसी से भी पूछ लें। मोबाइल शॉप तो छोटी सी है लेकिन तेरे काम बड़े बड़े हैं। सर मैं कुछ समझा नहीं। बोल इधर, बोल। देख तू भी बच्चा है, हमारी मार सह नहीं पाएगा, इसलिए फटाफट बता दे। चल चल बता। लेकिन सर बताना क्या है? बता एंजल की फेक आईडी का बता, और क्या बताना तूने? बोल बोल। सर मारो मत सर, सर मार दो सर, मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ। चल जल्दी शुरू कर बताना। सर कभी कभी मैं चोरी के मोबाइल भी खरीद लिया करता हूँ। कभी कभार? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, कसम से। अच्छा चल ये बता मिस सिद्रा की पिक्स कहाँ से आई तेरे पास? सर एक साल पहले शायद मेरे पास कुछ मोबाइल लेकर आया था। आओ आओ, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। यार गले सख्ती बहुत हो गई है, देखभाल के लिए करना पड़ता है। इतने दिनों के बाद आए हो और सिर्फ चार मोबाइल? नहीं चाहिए तो मैं आगे चले हूँ। अबे यार एक तो तुम नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाते हो, लाओ सेट तो दिखाओ। मुझे फारिग कर दे बाद में देख लियो भाई। यार सिर्फ फ़ोन कर रहा हूँ, कौन सा खोल कर चेक कर रहा हूँ। हेलो। कितने? 10,000। बस यार कुछ ख्याल करो, ना डब्बा है ना चार्जर है, बाकी मुझे भी बेचना है, सिर्फ 1,000-2,000 बचेंगे। 1,000-2,000 हालत देख मुझे नहीं पता कि इतने बचते हैं। अबे तुझसे कार्ड नहीं लग रहा कार्ड रीडर में? अबे तो क्यों इतना उतावला हो रहा है, क्या है ऐसा इस कार्ड में? कुछ भी हो सकता है मेरी जान, लगाया कि नहीं? चेक कर। आया? हाँ आ गया। अबे भला वजह का सस्पेंस फैलाया था, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर सिवाय तस्वीरों के। यही तस्वीरें तो काम आएंगी बेटा। क्या मतलब क्या काम आएंगी? देख इन तस्वीरों से मैं एक फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा लड़की के नाम का। तो उससे क्या होगा? अबे तू पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, बीच में ही कूद पड़ता है। अच्छा बोल। देख उस अकाउंट से हम घेरेंगे अपने ठरकी दोस्त राजा को। अबे अब समझा, मज़ा आ जाएगा दादा। अब देख कैसे बकरी बनाता हूँ मैं उस राजा को। अबे यार ये अकाउंट मुझे भी यूज़ करने दे, अपने दोस्तों को मज़ा चखाने मुझे। सब्र कर ले बेटा, पहले एक का गेम तो बजने दे। इधर देखा। क्या बात है राजा, आजकल नजर नहीं आता, कहाँ गायब रहता है? कहीं नहीं यार, वो एग्जाम चल रहे हैं तो उसी की तैयारी में लगा रहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं तभी से क्या मुराद है? तभी तो सारा सारा दिन फेसबुक पे ऑनलाइन रहते हो पेपर्स की तैयारी के लिए। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो जब ऑन होता है तो अपना काम करता रहता हूँ मैं। अच्छा ये बता ये रिदा एंजल कौन है जो तेरे पास हेड है? कौन रिदा? अच्छा अच्छा वो दोस्त है मेरी यार। अच्छा कभी मिला है उससे तू, मेरा मतलब फेसबुक के अलावा? नहीं तो क्यों? यार कहीं लड़का ना हो। नहीं यार काफ़ी बात अपनी चैट भी हुई है उससे, ऐसी बात नहीं है। ठीक कह रहा है, इसलिए आज CVU पे मिलने के लिए भी बुलाया है। क्यों उससे तेरी बात हुई थी क्या, उसने बताया तुझे? हाँ और भी बहुत कुछ बताया उसने। यार राजा मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अबे झूठी है झूठी है यार, पागल हो रहा है क्या? छोड़ यार। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? अबे तू जिस रिदा की बात कर रहा है ना वो रिदा नहीं है, खुरम है खुरम। अबे क्या यार इतनी जल्दी क्यों बता दिया, थोड़ी देर तो और खेलने देता। अबे राजा अबे कहाँ जा रहा है?
मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मजाक करना चाहता था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस बस रोना बंद करो और ये बताओ कि लोगों को ब्लैकमेल भी करते थे तुम? नहीं सर, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले एक साल में इस फेक अकाउंट से तुमने 1000 से ज़्यादा लोगों से चैट की, वो सारे तुम्हारे दोस्त थे? सर वो मैं। अबे क्या वो मैं, जो सर पूछ रहे हैं जल्दी से बता दे। सर मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जाओगे ना 10-15 साल के लिए अंदर सब पता चल जाएगा। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ नरमी बरती जाए तो तुमने जो जो कुछ किया है खुद ही बता दो। और देखो इसकी बाकी अकाउंट की भी डिटेल ले लो तुम। ठीक है सर। हमने उस फेक अकाउंट होल्डर को ट्रेस कर लिया है, बल्कि अरेस्ट भी कर लिया है। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज था। और वैसे भी लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस है नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे वाकयात जितनी जल्दी रिपोर्ट हो जाएं उतना बेहतर होता है। जी सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी जी पूछिए। सर मोबाइल स्नैचिंग तो किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, ऐसे में मोबाइल डेटा की हिफाजत किस तरह की जा सकती है? इसका कोई मुस्तकिल हल तो है नहीं, लेकिन हाँ एहतियात की जा सकती है। वो कैसे? वो इस तरह के अपने मोबाइल के डेटा को फौरी तौर पर लैपटॉप में या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लें, और हो सके तो मोबाइल ड्राइव खाली रखें। लेकिन सर। हाँ मुझे मालूम है कि ये इतनी आसान प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन एहतियात तो कर सकते हैं ना। ओके सर, सर हमें इजाज़त है। जी बिल्कुल, लेकिन इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सर आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? ताहिर भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक्चुअली मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सिद्रा पे शक किया। कोई बात नहीं यार, इन हालात में किसी को भी गलत फहमी हो सकती थी। नहीं ताहिर भाई, मेरे ख्याल से मैं बहुत जल्दी उन सब बातों में आ गया था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह ने मेरी बहन की बेगुनाही साबित कर दी, मेरे लिए यही सब कुछ है, और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ताहिर भाई मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? क्यों नहीं यार, और वो कहते हैं ना कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। थैंक यू। चलो घर चलते हैं।